बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। YouTube पर आपको लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट और इन्फ्यूजन के बारे में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन लिवोफ्लॉक्सासिन सिरप पर बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसलिए आज मैंने अपने टॉपिक में लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन को शामिल किया है। लिवोफ्लॉक्सासिन एक बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक, मतलब जरासीम कुश है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अच्छा रिस्पांस शो करता है, जबकि ये ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ भी मौसर तरीन है। लिवोफ्लॉक्सासिन का ताल्लुक फ्लोरोक्विनोलोन फैमिली की तीसरी नस्ल से है। लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन बच्चों में कौन सी अलामत में इस्तेमाल किया जाता है? लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन की राइट डोज क्या होगी? ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट और इन्फ्यूजन बहुत सी अलामत में अपना बेहतरीन रोल प्ले करती है, लेकिन आज हम लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। और बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, जिसमें काबिले ज़िक्र है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, इस कंडीशन में लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन कमाल की एक्टिविटी शो करवाता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों में लिवोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन की राइट डोज क्या होगी। तो राइट डोज होगी 10 mg पर kg पर डे। इस डोज को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूँगा कि एक बच्चे का वज़न 10 kg है, तो उसकी डोज होगी 100 mg पर डे, मतलब 2 cc हर 12 घंटे बाद, मतलब सुबह और शाम 12 घंटे के वक्फे से। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।